आलस की वजह से सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल सकता है। जल्दी से जल्दी हमें इस बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। आलस की इस वजह से हमें कैसे नुकसान उठाना पड़ता है तो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। पुराने समय की बात है, किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे। आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे और उनके साथ जो उनका शिष्य रहता था वह बहुत ही आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य की चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी लेकिन वह अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ पाए थे। गुरु जो भी काम बताते रहते वह हमेशा उस काम को टालते रहते। गुरु ने सोचा कि अगर शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को पत्थर देते हुए कहा, ये चमत्कारी पत्थर है, इससे जितना चाहो तुम उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। गुरु ने कहा, मैं 2 दिन के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद आश्रम में लौट कर आऊँगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस लूँगा। इस पत्थर से तुम लोहे की किसी भी चीज़ को स्पर्श करोगे तो वह सोने की हो जाएगी। चमत्कारी पत्थर देखकर गुरु आश्रम से दूसरे गांव के लिए चले गए। अब शिष्य ने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बनाऊंगा कि मैं अपना पूरा जीवन ऐश और आराम से जीऊंगा। अब शिष्य ने सोचा कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं, 1 दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन में सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो जाता हूँ, सोना बनाने का काम तो बहुत छोटा सा है, शाम को कर लूँगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसे पता भी नहीं चला कि सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। गुरु ने आते ही वह पत्थर वापस ले लिया। शिष्य को इस बात का एहसास हो गया था कि आलस की वजह से उसने इतना अच्छा अवसर खो दिया। अब शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेंगे और आलस को हमेशा त्याग देंगे। आलस को त्यागने के बाद शिष्य का पूरा जीवन बदल चुका था और अब वह मेहनत से धन कमाकर धनवान भी हो गए थे। सो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस की वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।